नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। कोरोना काल में जब सब कुछ अनलॉक होने लगा है तो अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव का रास्ता भी धीरे धीरे साफ होने लगा है। अब हर किसी की नज़र इस बात पर टिक गई है कि आखिर जो मई माह में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव कराए जाने थे कोरोना के चलते आगे बढ़ा दिए गए, आखिर कब होंगे। इसी बीच व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव की तिथियों की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। इसको लेकर आई इंडिया ने आधिकारिक रूप से जानकारी की तो पता चला अभी तक न ब्लॉक प्रमुख और न ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की कोई भी तिथि सामने आई है। फिलहाल हम आपको बता दें, जो सोशल मीडिया पर तिथियां वायरल हो रही हैं उसके मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 5 जुलाई और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए जो चुनाव की तिथि वायरल हो रही है वो 15 जुलाई बताई जा रही है। हालांकि इसी बीच सरकार भी चुनाव कराने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से तिथियों का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव से हर एक जुड़ी हुई खबर को सबसे सटीक तरीके से, सबसे विश्वसनीय तरीके से हमेशा आई इंडिया आप सभी तक लाया है। तो आपको बता दें कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कब होना है और जिला पंचायत अध्यक्ष का कब चुनाव होना है, इसको लेकर भी आई इंडिया ने कुछ ही देर पहले आधिकारिक रूप से जब जानकारी ली तो ये बताया गया अभी तक तिथियों का कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। हमने सबसे पहले आरक्षण से जुड़ी हुई खबर हो या फिर चुनाव से संबंधित, जो भी वायरल हुआ उसका सच आपके सामने लाने का प्रयास किया। फिर एक बार आपको जानकारी दे दें कि अभी तक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होना है उनकी तिथियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है बहुत जल्द ही इन तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और सत्ताधारी दल में जो ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर के आवेदन मांगे गए हैं वो भी जमा हो चुके हैं और बहुत जगह BDC के जो जीत के प्रमाण पत्र हैं उनको लेने से लेकर BDC को अपने पाले में लाने की कवायद तेज हो चली है। बहुत सारे लोगों ने पूरा खेल भी डाला है, लेकिन सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर चुनाव की तिथि कब घोषित होगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष की जहां तक बात है, सीतापुर में भाजपा से भी पहले 3 दावेदारों के नाम सामने आए थे, धीरे धीरे एक नाम पर सहमति बनती दिख रही है। हालांकि विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने लिखित रूप से इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी से मजबूत प्रत्याशी सामने आएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी में भी 3 नामों की चर्चाएं थी। आपको बता दें, 3 नामों में एक खेमे का जो नेतृत्व है वो MLC आनंद भदौरिया कर रहे हैं, जिनको महमूदाबाद से विधायक और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा का समर्थन मिला हुआ है। इसके अलावा पार्टी संगठन का भी उनको समर्थन मिला हुआ है, जबकि पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी सबसे तेजी से, सबसे मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए उसी दिन से जुटे हुए थे, लेकिन उनकी दावेदारी को पार्टी के लोग ही हल्का कर दिए हैं। इसके अलावा तीसरा नाम जो आ रहा था सामने, वो पूर्व जिला पंचायत यानी तत्कालीन जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जितेंद्र वर्मा, वो लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी बताते हैं मान गए। ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ने की तैयारी में है, लेकिन भाजपा से आपको बता दें कि फिर एक बार
चाहे सरकार किसी की रही हो, एक चर्चा में नाम आता था शिवकुमार गुप्ता का। उनका नाम भाजपा में जोर शोर से चल रहा है और इसको लेकर पार्टी में कई विधायक सहमत नहीं हैं। बावजूद इसके उन्होंने पार्टी के गुट का समर्थन प्राप्त कर रखा है और वो सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर माने जा रहे हैं। वो अपनी पुत्र वधु को प्रत्याशी बनाने के लिए उन्होंने सारा ताना बाना बुन दिया है। फिलहाल यह तो समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी से कौन उम्मीदवार होता है और कौन भाजपा से। फिलहाल एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है। जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है वो फेक है, लेकिन सूत्रों की माने तो बहुत जल्द ही तिथियों का ऐलान हो जाएगा। और जैसे ही चुनाव की तिथियों का ऐलान होता है, सबसे पहले आई इंडिया आपको ये जानकारी देगा। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।